कारोबार कैसे चलेगा? जब कारोबार चलेगा, एक्सपोर्ट होगा, डॉलर आएगा, तभी मुल्क आगे जाएगा ना। ये तो बिजली की वजह से, ये हम पे गिर जाएगी बिजली भैया। हमें कोई सस्टेनेबल और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन सोचना है। हाँ भाई, क्या है भैया, कल एक वीडियो नजरों से गुजरी जिसमें जापान में दिखा रहे थे जी लेविटेटिंग ट्रेन का तजुर्बा कर रहे हैं। ट्रेन ऐसे हवा में उड़ेगी और जूम करके निकल जाएगी। और फिर मैंने सोचा यार, हमारे मुल्क की जो एक ट्रेन है ना, वो पटरी पे ही नहीं आके दे रही, क्योंकि 2022 में भी हम बिजली को रो रहे हैं। लाइट आ रही है, लाइट जा रही है, लाइट है, लाइट नहीं। अरे भैया, दुनिया ने बिजली के मसले हल करके कहीं और बिजली करने चले गए और हम अभी तक यही रो रहे हैं। अब मसला ये है कि भाई, पहले से आप ज़्यादा पैसे दे रहे हो, यूनिट भी महंगा हो गया और मिल कम रही, यानी एक चीज़ के आप पैसे अब ज़्यादा देते हो और लेते कम हो, ठीक है ना। 12-12 घंटे लोड शेडिंग, 14 घंटे, कई इलाके ऐसे पाकिस्तान के 16 घंटे 18 घंटे। अब मसला ये है कि भाई, शॉर्ट टर्म सोल्यूशन क्या था जी, यूपीएस लगा ली। अब यूपीएस चार्ज होगा तो चलेगा ना भाई, जब चार्ज की बिजली नहीं आ रही, जनरेटर पे चलेगा जी। गैस, केड़ी गैस, गैस कर लो, गैस कहें, गैस तो है ही नहीं। और पेट्रोल पे अगर आप जाएं तो पेट्रोल आपकी पहुंच से ऐसे ही दूर जा रहा है जैसे महबूब आपकी पहुंच से दूर चला गया ना कॉलेज के जमाने में। ये तो हो गया जी घर का मसला। अगर इसको आप बड़े स्केल पे देखें, जिन लोगों ने फैक्ट्रियां लगाई हुई हैं, कारखाने लगाए हुए हैं, इम्पोर्ट बैन अलग है, रॉ मटेरियल आ नहीं सकता, मसले मसाइल वो अलग हैं। फिर आप बिजली नहीं दे पा रहे, बिजली वो ले नहीं पा रहे, बना नहीं पा रहे, तो भैया कारोबार कैसे चलेगा? जब कारोबार चलेगा, एक्सपोर्ट होगा, डॉलर आएगा, तभी मुल्क आगे जाएगा ना। ये तो बिजली की वजह से, ये हम पे गिर जाएगी बिजली भैया। हमें कोई सस्टेनेबल और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन सोचना है। हमें ज़रा इससे हटके जाना है, हमें कोई रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ जाना है ताकि हम अपने ये मसले तो सॉल्व कर सके। तो भैया, अगर रिन्यूएबल और सस्टेनेबल एनर्जी की बात करें तो सोलर से अच्छी एनर्जी इस वक्त दुनिया में कहाँ है? सूरज से पूरी कायनात चल रही है, तो कायनात भी आपका घर भी चल सकता है। छत पे बस जादू बिठाना जो धूप खाता रहे और आपकी लाइटें चमकाता रहे, आपका एसी चलाता रहे, ठीक है। अब होता यह है कि ये एक बार की इन्वेस्टमेंट होती है, थोड़ा सा खर्चा होता है, लेकिन उसके बाद जिंदगी भर का बिल की फिगर से बेफिक्र हो जाते हैं। खली वली जिस लाइन में बिजली नहीं आ रही, उस लाइन का इतना बड़ा बिल आ रहा है, उस बिल से ही जान छूट जाती है। उल्टा नेगेटिव बिल आता है, कभी नेगेटिव बिल सुना है आपने? वो ये होता है कि जब आपकी सरप्लस में बन जाती है बिजली, तो आप गवर्नमेंट आपसे खरीद, अरे गवर्नमेंट खरीद देगी आपसे बिजली, क्योंकि हमने हमेशा गवर्नमेंट को पैसे दिए हैं। जब गवर्नमेंट से पैसे मिलते हैं, उसका मजा ही अलग है, उसकी चासी अलग है। ये तो हो गई रेजिडेंशियल वाली बात। यही सेम चीज़ अप्लाई होती है अगर आपकी कोई फैक्ट्री हो, आपका कोई मिल हो जहाँ पे बिजली के सॉल्यूशंस का मसला हो, तो वहाँ पे भी यही चीज़ हो सकती है। अब जस्ट बिकॉज मैंने कह दिया जी सोलर लगाना, तो चलते फिरते कोई सा भी पैनल लेके छत पे ही लगा लेना। हर किस्म का पैनल होता है, हर किस्म की क्वालिटी होती है, उसकी एक लाइफ होती है। अगर इंस्टॉलेशन में भी, अगर पैनल सही भी है, इंस्टॉलेशन सही नहीं की, ऊपर नीचे की, सही एंगल नहीं दिया, धूप नहीं खा रहा, जादू को धूप नहीं मिल रही, तो आपको भी नहीं मिलेगी भाई। तो आपने किसी ऐसी कंपनी से सर्विस लेनी है जो कि रिलायबल हो, जिसका मार्केट में नाम हो, जिसकी एक अच्छी रेपुटेशन हो। तो मेरी नजर में इनवेरिक्स इज वन ऑफ दोस कंपनीज जिनके सोलर एनर्जी सॉल्यूशंस बहुत अच्छे हैं, चाहे वो आपके रेजिडेंशियल हो, चाहे वो आपकी फैक्ट्री हो, कमर्शियल हो, ऑफिस हो, कुछ भी हो। उनके बंदे आते हैं, आके पूरा सर्वे करते हैं आपके घर में क्या नीड्स हैं, आपकी फैक्ट्री में क्या रिक्वायरमेंट है, कितनी मशीनें, कितने एसी, कितनी लाइटें, उस हिसाब से आपको वो एक प्लान बना के देते हैं। और उस हिसाब से फिर एक बार की इन्वेस्टमेंट है, थोड़ा सा आपको लगता है, लेकिन उसके बाद खली वली जिंदगी भर का सुकून है। और ये होती है लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। ये नहीं कि जी गैस डाल के जनरेटर चला लिया, वो तो शाम को गैस नहीं, फिर क्या करेंगे? पेट्रोल नहीं मिल रहा, फिर क्या? पंप तो बंद हो जाता है, जिस दिन पैसे बढ़ते हैं पंप बंद हो जाता है। अब आप गैलन लेके खड़े हैं जी, आपके घर में लाइट नहीं है, भाई जान छुड़ा लो इससे। तो इनवेरिक्स के बारे में अगर आपने जानना हो तो मुल्क भर में 150 से ज्यादा इनके डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, जहां पे आपको पूरा बकायदा समझाएंगे क्या आपको जरूरत है, आपकी जरूरत के हिसाब से आपको प्लान बना के देंगे जी, इतने का लगा लें, ये लगा लें, आपके घर के हिसाब से इतना काफी है, या आपकी फैक्ट्री की नीड्स के हिसाब से इतना पैनल काफी है, इतनी आपके इक्विपमेंट लगेगा। और साथ ही साथ 33 सर्विस सेंटर्स हैं जो कि आके आपके सोलर पैनल्स की जो भी सर्विसिंग रिक्वायर्ड होगी वो आपको मुल्क भर में सर्विस प्रोवाइड करेंगे। और अगर इनवेरिक्स की वारंटी वगैरह की बात करें तो जो पैनल्स हैं उसकी 10 साल की वारंटी है, साथ ही साथ 90% एफिशिएंसी के साथ, और ये 25 साल चलता है, यानी अगली जन भाई वो एक जमाना था ना, दादी अम्मा जाते जाते अंगूठी पकड़ा देती थी अगली नस्ल को, अब हम अपने बच्चों को सोलर पैनल पकड़ा के जाएंगे, मतलब ये जमाना आ गया, ठीक है ना। इन्वर्टर की अगर बात करें तो उसकी 10 साल की वारंटी और 5 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी, अगर 5 साल में खुदा ना खास्ता कोई दे देता है आपको तो रिप्लेस हो जाएगी पूरी। और तीसरा प्रोडक्ट है सोलर एसी, यानी कि अगर आपको दफ्तर में ज्यादा आपका एसी चलता है पूरा दिन, या घर में ज्यादा यूजेज है और आपको खतरा है बड़ा बिल आ जाएगा, तो 4 से 5 पैनल लगाएं और सारा दिन सोलर के मजे ले। अम्मी आके ताने भी नहीं देंगी कि जी सारा दिन तू नेटफ्लिक्स देख रहा है,
गेमिंग कर रहा है और एसी चल रहा है भाई, सोलर पे चल रहा है खली वली। और ये सोलर एसी आता है 5 साल की वारंटी के साथ, जिसमें होता है T3 कंप्रेसर यानी के ठंडी ठार कूलिंग आपको देता है, और साथ ही इसमें होता है बिल्ट इन इन्वर्टर यानी ये ज्यादा बिजली भी नहीं खर्च करता। अच्छा आप बोलेंगे जुनेद भाई हम तो घर में बैठे हमें क्या पता उसने कितनी बिजली बनाई है, कितनी यूज हो जाएगी, कितनी रह गई, कहीं हमें जैसे पेट्रोल का कांटा पता चलता है ना कितना रह गया है, कब पेट्रोल स्टेशन में डालनी है। तो इसकी भाई एनवेरिक्स वालों की ऐप आती है, वो आपको पूरा बताएगी आपकी आपकी पैनल्स की हेल्थ क्या है, उसको सफाई चाहिए, उसको कोई सर्विस चाहिए, या कितने किलोवाट बन चुकी है, कितने पीछे रह गई है। और यही उनकी R&D टीम के पास भी स्टेटस आ रहा होता है, आपके पैनल्स की हेल्थ क्या है, क्या उनको सर्विस की जरूरत तो नहीं है या उनको किसी रिप्लेसमेंट की जरूरत तो नहीं है। तो यानी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इन्वेरिक्स सामान बेच के खराटे लेके नहीं सो रहे, वो बाकायदा चेक एंड बैलेंस रख रहे हैं अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में। और इसी तरह जब उनकी कोई नई प्रोडक्ट आनी होती है तो वो पूरा अच्छी तरह इंस्पेक्शन होती है, उसके बाद वो मार्केट में डिलीवर होती है। तो भैया नए जमाने के साथ चलें, रिन्यू और सस्टेनेबल ऑप्शंस की तरफ जाएं और लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस की तरफ जाएं, ये छोटे मोटे के यहां से जुगाड़ वहां से जुगाड़ से जरा निकले, अपनी जिंदगी को सुकून दें। तो इन्वेरिक्स की तमाम डिटेल्स मौजूद हैं, वेबसाइट लिखी हुई है, फोन नंबर लिखा हुआ है, आप उनके डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर भी जा सकते हैं और आप जो भी इंफॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड हो आप वहां से ले सकते हैं। अम्मा ने बोला था मेरा बच्चा चांद सा टुकड़ा चांद पे जाएगा, हम डायरेक्ट सूरज पे जा रहे हैं, हमने भी सोलर लगाना है भाई, वरना ये इतना जो सर पे चल रहा है ना मेरा, इसका बड़ा बिल आता है, तो इसको भी हमने खली वली करना है। तो आपने भी जो है सस्टेनेबल और रिन्यूएबल ऑप्शन की तरफ जाना है।